हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। टुडे इज़ 1st of January 2021 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो इट इज़ स्टेट्यूटरी हॉलीडे, तो आज हम सबके लिए ऑफ है, तो मेरा भी ऑफ है। तो गाइस एक स्पेसिफिक जगह विजिट करने जा रहा हूँ जो मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था, मेरी बकेट लिस्ट में थी बट मैं जा नहीं पाया था। बोला था ना कि कुछ लोगों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सो लेट मी जस्ट डू द ऑनर नाउ। सो एज आई मेंशन दैट कि मुझे इस चीज़ के अंदर हेल्प करेगी डेफिनेटली कि आपकी फैमिली से ज़्यादा और कोई आपका सपोर्ट नहीं हो सकता, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू। सो सबसे पहला बंदा है मेरा ब्रदर। हाय, हे गाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और करण मेरा ब्रदर है, जैसे ही उसने इंट्रोड्यूस किया। और आज आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लेके जा रहे हैं। ये टोरंटो से 109 किलोमीटर दूर पड़ती है, ईस्टर्न साइड पर, विच इज़ कॉल्ड पोर्ट होप। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, बड़ी सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। तो वहाँ पर आप जाकर दिखाते हैं कैसा है वहाँ का एटमोसफियर, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी। और हमारे साथ मेरे साथ एक और बंदा ज्वाइन कर रहा है। Hi guys, this is Ashna this side, और हमने चैनल कल, जैसे कि आपने पहला वीडियो देख ही लिया होगा, तो शुरू किया है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे हमारी जर्नी में, आप सारे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और अच्छा कॉन्टेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू गाइस। वी लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस हियर इन टोरंटो और हियर इन अवर नेबरहुड। सो हम लोग यही करने वाले हैं अब आने वाली वीडियोस के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही अपना प्यार खाते रहो हम लोगों को। बाकी आप लोगों को मिलता हूं उस जगह पर पहुंचने के बाद, फिर दिखाता हूं कौन कौन सी मूवीज की वहां पर शूटिंग हुई। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो है पोर्ट होप, और बस हम वहाँ पहुँचने लगे। तो इस जगह के बारे में बहुत सी मूवीज़ जैसे मैंने बताया वहाँ पे शूट हुई हुई हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मैं उन लोकेशंस में जा पाया जहाँ जहाँ पर शूट हुई है। तो एक नेटफ्लिक्स पर बहुत पॉपुलर मूवी रही है पिछले साल में 2019 के अंदर और 2020 के अंदर, सो इट नाम से मूवी है, तो उसकी शूटिंग स्पेसिफिकली वहाँ पर हुई है। अब हम लेंगे एग्जिट पोर्ट होप के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब हम एंटर हो गए हैं पोर्ट होप, जो जगह मैंने आप लोगों को बताई थी। फ्यूल कितना सस्ता है, 94.9 का है यहाँ पर, और कल मैंने गैस लिया 106.4 की, तो यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 10 सेंट्स का फर्क है। सो गाइस यहाँ पे जो गैस होती है, लाइक फ्यूल जिसको हम पेट्रोल इंडिया में कहते हैं, यहाँ पे गैसोलीन यूज होता है गाड़ियों के अंदर। और फ्यूल का जो अभी मैंने रेट देखा, अभी करंट रेट अराउंड 96 सेंट्स था। अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँ तो और अराउंड 50 से 52 रुपये बनेगा। सो ये यहाँ पे पर लीटर कॉस्ट है आज की डेट में गैस की। गैस का प्राइस यहाँ डेली फ्लक्चुएट होता है, और दिन में अलग शाम को अलग होता है, बट यूजली अभी पिछले कुछ टाइम में ये $1 to $1.10 के आसपास चल रहा है। सो दिस इज द करंट रेट, विच मीन्स कि एग्जैक्टली 60-65 रुपये लीटर यहाँ पे आज की डेट में, मतलब इन दिनों आजकल गैस का प्राइस है। इंडिया से काफ़ी सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल, लास्ट ईयर ये डॉलर से नीचे ही रहा, तो आप ये लगा लीजिए कि 50 रुपये से भी कम था यहाँ पे पेट्रोल। यार लास्ट ईयर पूरा लाइक पूरी समर्स भी, लाइक यूजली समर्स में गैस का रेट ज़्यादा होता है, बट लास्ट ईयर
मुझे मैक्सिमम जो याद है 1.16 सेंट्स था, लाइक डॉलर एंड 16 सेंट्स। और यहाँ पे जो भी प्राइस आपको पेट्रोल पंप पे दिखेगा वो आपको हमेशा 100 लीटर्स के हिसाब से दिखता है, हमेशा आपको प्राइस दिखेगा 98.9। सो दैट मीन्स कि अगर आप 100 लीटर्स गैस देते हो तो उसका प्राइस क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने 1 लीटर लेना है तो आप उसको 100 से डिवाइड। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं पोर्ट हॉप के अंदर, और सामने आपको बॉट भी दिखा रहा होगा मैं। वेलकम टू पोर्ट हॉप। सो ये एक बहुत प्यारा सा टाउन है ईस्ट ऑफ टोरंटो वाली साइड, अगर आप जाते हैं किंगस्टन की साइड तो ये आपके रोड पे पड़ता है। और जहाँ से हम लोग निकले हैं, मेरे ब्रदर के घर से निकले हैं, वो टोरंटो के आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है। तो वहाँ से हमारी ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स की राइड थी, जिसमें हमारे को लगे 40 से 45 मिनट, क्योंकि यहाँ पर जो हाईवे की स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है, तो वो मैक्सिमम स्पीड होती है, बट यूजली लोग उतनी मेंटेन करके ही रखते हैं। तो ये देख रहे हो आप, जैसे बहुत प्यारा सा टाउन है, और ये साइड में से वो रिवर जा रही है जो आपने बहुत बार इटकी शूटिंग में दिखाई होगी। अभी हम उस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करेंगे। ये डाउनटाउन है यहाँ का पोर्ट हॉप का। हम विंटर्स में आए हैं, बट अगर समर्स में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स वगैरह हर जगह लगे होते हैं, एंड पीपल आज भी लोग सैर पे निकले हुए हैं, बट उस तब ज़्यादा अच्छी रौनक देखने को मिलती है। थोड़ी क्रिसमस की अभी भी डेकोरेशंस हैं अभी भी, बट रात को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू पार्क हियर। लकीली हम लोगों को पार्किंग मिल गई है जहाँ हम करना चाह रहे थे। अब नीचे उतर के दिखा। और आज वेदर थोड़ा क्लियर है, क्योंकि कुछ दिनों से अभी हमारे यहाँ पर स्नो नहीं डली है, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। बहुत प्यारी सीनिक ब्यूटी है इस टाइम पर, और ये बहुत प्यारा सा व्यू। और बिकॉज अभी अभी क्रिसमस गई है, तो क्रिसमस की आपको डेकोरेशंस दिख रही होंगी, और ये आपको दिख रहे हैं मेरे साथी व्लॉगर्स जो अलग अलग शॉट्स से फोटोज़ और वीडियोज़ लेने में लगे हैं। क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी, तो मुझे मास्क लगा के घूमना पड़ रहा, तो इस वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क की सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाते हो, जितने लोग स्पेक्स लगाते हैं वो सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे, ये बहुत दिक्कत होती है। हाय गाइस, तो आप ये जैसे रिवर देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी रिवर्स हैं छोटी छोटी, जो सारा पानी, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो मेल्ट होके ये पानी सारा जाता है लेक ओंटारियो में। और ये टाउन नदन पार्ट ऑफ लेक ओंटारियो पे पड़ता है, तो ये सारा पानी उस साइड लेक ओंटारियो में जा रहा है। कनाडा काफ़ी फेमस है अपनी लेक्स के लिए, अराउंड कहते हैं वर्ल्ड का 50% पानी कनाडा में ही है फ्रेश वाटर, एंड सेकेंडली माइनेड फ्रेश वाटर रिजर्व आर देयर इन कनाडा। और उनमें से एक लेक ओंटारियो है जो काफ़ी फेमस लेक है यहाँ की, जो कि बड़े टाउन्स इन ओंटारियो लाइक टोरंटो, मिसिसागा एंड विटपी और ओशवा, इन सबको टच करती हुई हैमिल्टन के साइड पे जाती है। ये एक बहुत प्यारी चीज़ लगी मुझे इस जगह के बारे में। ये देखो, इस जगह का नाम है पोर्ट हॉप पब्लिक लाइब्रेरी, एंड दिस इज़ अ रिवर साइड रीडिंग गार्डन। सो यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये रिवर साइड के साइड में ये बहुत प्यारे प्यारे बेंचेस लगे हुए हैं, जहाँ पर आप आराम से बैठकर इवनिंग में या जब भी आप बैठकर अपनी बुक्स पढ़ना चाहो, जिनको रीडिंग का शौक़ हो वो लोग आराम से यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर एक बहुत फेमस कैनेडियन कॉफ़ी चेन है जिसका नाम है टिम हॉर्टन्स। यूजली लोग वहाँ की कॉफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पर बैठ के बुक्स के साथ में, उस कॉफ़ी के मग को पकड़कर, कॉफ़ी के ग्लास को पकड़कर। आप साथ में अगर आप लोगों को इस जगह की आवाज़ आ रही हो तो क्या ही नज़ारा हो। तो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ इस प्यारी सी पानी की आवाज़ के साथ। और ये एक बहुत प्यारा सा ही मास्टरपीस जिसके ऊपर लिखा हुआ है पोर्ट हॉप, और साथ में दिखाई हुई है फिशिंग, क्योंकि लोग फिशिंग करने भी आते हैं। इसके राइट साइड पे एक बहुत प्यारा सा ब्रिज है जो क्रिसमस डेकोरेशंस की वजह से डेकोरेट किया हुआ है। हे गाइस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्टोन, और ऊपर इसके ऊपर बोट रखी गई है। ये आप देखेंगे लग तो रूफ नहीं है, बट ये बोट है जिसको इन्वर्ट किया गया हुआ है स्टोन के ऊपर। ये काफ़ी पुराना माना जाता है मॉन्यूमेंट है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। इनिशली जो वाइकिंग से भी पहले नॉर्दर्न अमेरिका को, कोलंबस से 800 साल पहले कोलंबस को जब उसने डिस्कवर किया था नॉर्थ अमेरिका को,
उससे भी पहले जो नदन ब्रिटेन के जो सेलर्स थे माना जाता है वो इस टाइप की बोट्स में यहाँ पर आए थे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट टेरिटरीज जो हैं कनाडा की वहाँ पर। तो उस टाइम पे उनको ठंड से बचने के लिए, रहने के लिए उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की। उन्होंने पत्थरों से नीचे उसका पूरा बेस बनाकर अपनी बोट को इन्वर्ट करके ऐसे वो रहते थे। और ये जो बोट है ये वॉलरस की स्किन से बनी हुई है। वॉलरस एक टाइप का एनिमल है, आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इसके दो दांत बड़े बड़े निकले होते हैं आइवरी टाइप के। और गाइस इस एंगल से आप लोगों को ये बिल्कुल एक बोट की तरह लग रही होगी। उस तरीके से मैं भी जब देख रहा था पहली बार तो मुझे लगा था जैसे कि छत है, बट एक्चुअल में ये एक बोट को इन्वर्ट किया हुआ है पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, एक घर बनाने के लिए। सो इट के लवर्स के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी ही रिवर के ऊपर वो लोग बैठे होते हैं जब एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि जब जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वापस आएंगे। सो वो सेम जगह है जहाँ पर वो शूटिंग हुई हुई है, ये देखो। Guys, the worst part about this place right now is इतने प्यारे प्यारे कैफेज हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं बैठने के लिए जहाँ बैठ कर आराम से कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो, साथ डिनर खा सकते हो, डोनट खा सकते हो या फिर और कुछ बेगल वगैरह लेकर आप कुछ खाना चाहो तो। बट बिकॉज ऑफ COVID-19 एज मैंने बताया था कि सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लॉकडाउन हुआ हुआ सब बंद है, बट बहुत प्यारी जगह है। ये वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब हम चले घर की ओर।